नमस्कार, मैं हूं शिखा सरा और आप देख रहे हैं जीएन भारत। जी हाँ, वैसे तो हेमंत सोरेन के लग रहा है बुरे दिन खत्म होने के नाम नहीं ले रहे, क्योंकि उनके प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को जहां ईडी अब अगले हफ्ते समन भेज सकती है, वहीं पंकज मिश्रा की मुश्किलें बढ़ेगी। तो ऑब्वियसली बात है हेमंत सोरेन की ऑटोमेटिकली मुश्किल तो बढ़ेंगी ही, लेकिन अब उनकी मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही, क्योंकि ये झारखंड डिस्पोजल एंड पैकिंग मटेरियल एसोसिएशन है, इन्होंने धरने दे डाले एक दिवस से, और इनकी मांगे है जो इन्होंने प्लास्टिक बैन पर जो इन्होंने प्रतिबंध लगाया है वो बहुत ही अमानवीय है, और कोरोना ने इनकी कमर तोड़ दी है। इसके बाद ये एक और झटका है, इनसे जानेंगे क्या कुछ मामला है, जरा विस्तार पूर्वक बताइएगा। भारत सरकार ने अभी बीते कुछ दिन पहले एक अधिवेशन निकाला जिसमें कहा गया कि प्लास्टिक कटलरी को बैन किया जा रहा है पूरे भारतवर्ष में, और राज्यों को इसका नोटिफिकेशन दिया गया है कि हर राज्य के मुखिया के पास में भेजा गया है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसका काम कर रही है, और हमारे व्यापार को बंद करके हमारे इतने लाखों करोड़ों जो लोग हमारे पास काम कर रहे हैं, जो इससे जुड़े हुए हैं, ये सिर्फ मैं झारखंड की बात बता रहा हूँ, कम से कम नहीं तो 2 से 3 लाख लोग, 4 लाख लोग, 5 लाख लोग इससे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। सबके रोजगार और सबके परिवार के भरण पोषण पर एक करारा झटका लगा है। अब कैसे हम अपने परिवार को खाना खिलाएंगे, इसके लिए अब हमारे मुखिया से ही गुजारिश है कि इसको ध्यान दें और हमारे व्यापार को बचाएं। और मुखिया तो 2.5 साल में 3 कार बदल चुके हैं, अब तो 1 करोड़ के ऑडी में भी घूम रहे हैं, आप लोगों का क्या? मैडम, इस पे तो हम लोग क्या करें, अब हम लोग तो सिर्फ अपने व्यापार को बचाने के लिए ही गुहार लगा सकते हैं। महामहिम राज्यपाल से निकाला है कि जिससे कि हम लोग सब बिल्कुल परेशान हो गए हैं, और हम ये पूछना चाहते हैं जो सरकार ने जो ये रिपोर्ट निकाली है कि 85% जो प्लास्टिक है उसमें से कितने परसेंट हमारे कटलरी हैं, प्लास्टिक डिस्पोजल कटलरी। आज एक आम आदमी क्या ईख और जूट और इन सब से बने हुए डिस्पोजल को क्या खरीद सकता है? यो इतना महंगा है, और जो आसानी से उपलब्ध होता है ये प्लास्टिक का डिस्पोजल, जो हाइजीन कोरोना के समय पे सबको इसी ने साथ दिया, जब लोग परेशान थे कोरोना में, एक दूसरे के छूने से लोग कतराते थे, तब डिस्पोजल ने सबको खाना खिलाया, और डिस्पोजल नहीं सबकी जान निकलते ही फिलहाल निकला, और योद्धा से हम गधे हो गए, काम निकलने के बाद यहाँ गधे हो गए हम। ईगो का सब्जेक्ट है ये, इस तरह मेरे को लगता है कि भारत सरकार द्वारा एक ईगो का सब्जेक्ट है कि सिंगल यूज प्लास्टिक में खड़ी कटलरी को भी प्रतिबंध कर रहे हैं, शायद कुछ आइटम कुछ और है। अगर वो उनके कान तक एक गुहार नहीं पहुंचे, आप लोग आगे क्या करेंगे? कुछ ना कुछ हम लोग करेंगे, क्योंकि अपने पेट पे लात मर रहा है, अपने व्यापार पे लात मर रहा है, और हम लोग लाखों करोड़ों के रूप में GST भी देते हैं, हम लोग कोई चरस गांजा नहीं बेच रहे हैं, तो हम सरकार से यही गुहार लगाएंगे कि कटलरी पे नए सिरे से सोचा जाए, उसको प्रतिबंध नहीं करके वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत हमारे जो प्लास्टिक है उसको कैसे खत्म कर माइक्रोन बढ़ाकर किया जाए, और इसका निवारण कैसे किया जाए जो गंदगी हो रही है प्लास्टिक की, सरकार को इसमें ध्यान देना है कि ना कि बैंड करना है। प्लास्टिक हटने के बाद से या प्लास्टिक में प्रतिबंध की सुगबुगाहट के बाद में पेपर के दाम कम से कम 1.5 गुना तक बढ़ गए हैं, और उसके बाद भी पेपर उपलब्ध नहीं है। और दूसरी बात, पेपर बनाने में जिस सामग्री का उपयोग होता है वो धरती का दोहन करने पर आती है, और एक प्लास्टिक 10 पेपर के बैग के का काम करती है, क्योंकि एक प्लास्टिक लोगों के हाथ में कई बार उपयोग आती है, कई बार यूज आती है, लेकिन पेपर फट के बराबर हो जाता है। और दूसरी बात, पेपर में लोड संभालने की क्षमता भी नहीं होती है, इसलिए पैकिंग मटेरियल के में थैली की जगह कभी भी पेपर नहीं ले सकता है, लेकिन अगर इसको जगह दिलवाने के लिए जोर ही डाला जाए तो फिर हमारे जंगलों का क्या होगा, ये भारत सरकार को सोचना। कैसे ये जो EPR सिस्टम है हम लोगों को भी लाए, और सरकार से यही गुजारिश है, महामहिम से प्रधानमंत्री साहब से हम यही गुजारिश करते हैं, मुख्यमंत्री से, राज्यपाल महोदय से, जितने भी अधिकारी, हम सबका हाथ पैर जोड़ते हैं कि हमारे व्यापार को बचाएं और हमारे परिवार का भरण पोषण को देखें कि अब हम कैसे आगे अपनी जीविका चलाएंगे, लाखों करोड़ों की संख्या में लोग इसमें बर्बाद होने वाले हैं। तो आपने सुना कि इन्होंने साफ तौर पर चुनौती दे डाली है हेमंत सोरेन सरकार की कि हमारी की जीविका चलाने का जो साधन उसे बंद ना करें। वैसे हेमंत जी तो अपने जीविका का पूरा ध्यान रख रहे हैं, लेकिन जरूरी है कि इस सारे वर्ग के जीविका का ध्यान रखना किसी भी चीज़ का अवश्य बात है, सिर्फ बैन कर देना एक झटके में इसको बैन कर दो ये सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि उसका अल्टरनेट सॉल्यूशन निकाल के अगर बैन किया जाता तो बात कही जाती, क्योंकि एक झटके में आपने जैसा एग्जाम्पल अभी मुराबादी में सारे दुकान एक झटके में हटा दिए, इसे कितने लोगों ने सुसाइड किया है, तो किसी चीज़ को अचानक बैन कर देना, हटा देना, ये कहीं ना कहीं जो आक्रमण तेवर है कि हेमंत सोरेन पास 2.5 साल के बाद कहीं उन्हीं पे भारी न पड़ जाए, क्योंकि अभी ईडी तो पीछे लगी हुई है, 2.5 साल बाद जनता पीछे लग जाएगी। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जीएन भारत। धन्यवाद।
अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।